बीजेपी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी, सैनी जी, दूर दूर से आए और चुनाव की कमान को संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्योंकि हमने अनुभव किया है लोकदल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। अब बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चलाया, तो मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिल रहा। आज हमारी साझी लड़ाई है, ये साझा मंच है और देश के लिए हम लोग एक हुए। मैंने हमेशा सीखा, चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे, उस विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले लिया करते, और मैंने ये देखा हर मोड़ पर अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों में उनका एक ही मापदंड होता था। वो ये चाहते थे कि मेरे इस फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं होगा, उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले ले पाए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है और जो काम किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का हमें मौका और अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर वो अपील कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल मीठा होगा। जिस प्रकार से बागपत का रटौल का आम मीठा है, उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ अच्छा है, यहाँ की मिठाई है, यहाँ के लोगों का निराला अंदाज है। तो मुझे उम्मीद है कि बागपत भी उस संदेश से दूर नहीं रहेगा, और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की एक नैतिकता लोगों को दिखाई देती थी, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत लोगों को स्वाभाविक है मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को वो बात बेहद पसंद आई, और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी हैं, बात कहने की आसान होती है, करने और निभाने की जब खुद पे पड़ती है तो मुश्किल आती है, लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार का हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वही बात उन्होंने आज मेरे सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ फिर और क्या चाहिए। हमने जो सीखा है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है वो देखे, मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या हैं, नियत साफ है कि नहीं। तो आपको मुझ पे नजर रखनी है, डॉक्टर सांगवान जी पे नजर रखनी है, एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है। नियत हो और नीति हो साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। सुस्त हो, पहली मीटिंग है सुबह की, सुस्ती निकालो, थक गए क्या, दिख रही है नियत और नीति, और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं, देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते हैं, कलम चल पड़ती। चौधरी चरण सिंह जी के
कार्य प्रणाली चौधरी चरण सिंह जी का जो विजन था भारतीय समाज के लिए, भ्रष्टाचार तो एक मुख्य बिंदु था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कैसे हो, जातिवाद के खिलाफ वो खड़े होते। यही जनता वैदिक कॉलेज का किस्सा है कि इसका नाम जब उनके बिरादरी से जोड़ा गया तो उसका विरोध और तो कोई कर नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध किया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में नहीं किया जाना चाहिए। आज ऐसे ही शिक्षा मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। अब लोग इन बातों को समझते हैं, उस समय शायद लोगों को समझ नहीं आती होंगी। अब लोग समझ रहे हैं कि देश का निर्माण आधुनिक भारत का करना है तो जाति के और लिंग भेद के और इन चीजों से उठकर समाज को आगे ले जाना होगा। और एक और मुख्य बिंदु चौधरी साहब की नीति का था कि आर्थिक तौर पे गैर बराबरी से दूर कैसे हम करें, अमीर और गरीब के फासले को हम लोग कैसे बांटेंगे, और उसके लिए उन्होंने उपाय दिए। नंबर वन, क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज बहुतायत में था, खेती कर रहे लोग बहुतायत में थे, आज भी हैं, उन्होंने समझा कि देश का मूल ढांचा अर्थव्यवस्था का, जब तक गांव का विकास नहीं होगा ये भारत देश विकसित नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी बात गैर बराबरी दूर करने की जो उपाय उन्होंने दिया, छोटे काम, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट सबको अच्छे लगते हैं कि अरबों रुपए की परियोजना आ गई साहब, बहुत बढ़िया, उद्घाटन करने में नेता को भी अच्छा लगता है, घोषणा करने में हमें भी मजा आता है, ताली बजाने वाले श्रोताओं को भी मजा आता होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की जो बात थी वो नींव से जुड़ी बात, जमीन से जुड़ी बात, व्यावहारिक बात। वो कहते थे कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी का अगर हम सम्मान करेंगे, रोजगार सृजन की संभावनाएं जो वहां है, किसी बड़े काम बड़े परियोजनाओं से वो नहीं हो सकती। और आज भी देश की सच्चाई है, 6.5 करोड़ MSME जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 6.5 करोड़ देश में हैं, उससे आधे से ज्यादा गांव देहात में हैं। और इस देश में सबसे बड़ी भूमिका MSME में बढ़ाने में अगर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 96 लाख MSME उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं औद्योगिक, 60% कहां से आ रहा है, वो 60% पैदावार छोटे कारखानों से हो रहा है। तो इसलिए और बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि प्रदेश की सरकार पहली बार MSME को वरीयता दे रही है। और 13 मार्च 2024 को जब चुनाव की कोड लगा नहीं था, लागू नहीं हुआ था, तब एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया, एक दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,826 करोड़ रुपए के लोन MSME सेक्टर को दिए। तो बागपत का या खेकड़ा का, हस्तशिल्प का उद्योग हो, बड़ौद के पुराने स्थापित व्यापार के काम हो, कई ऐसे उदाहरण बागपत जनपद में हैं कि लोग अपने छोटे काम और कारखानों में किस तरह से रोजगार भी दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट पूरे दुनिया में उनका प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जब तीसरी बार बड़ा मैंडेट जो 400 पार का नारा देश को दिया गया है, जब उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और मिलके हम लोग सरकार में, हमारी प्रयत्न और कोशिश रहेगी कि छोटे कुटीर उद्योगों को और किसानों को कैसे हम बेहतर लाभ पहुंचा सकें, उनके लिए मंडियों का विस्तार कैसे हो और उनका प्रभाव कैसे हम लोग बढ़ाएं। ये मेरी व्यक्तिगत तौर से हमारे दल की नीति भी है और बहुत खुशी है कि जिनसे हमने मेल किया है और निर्णय लिया है, साथ काम कर रहे हैं, आज BJP की भी मिशन में ये एक बड़ा हिस्सा उनके मिशन में है। मैं, क्योंकि चुनावी सभा है, मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे मन में भी इच्छाएं हो सकती थीं कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ता, जब NDA में हमने निर्णय लिया और NDA में ये सीट लोकदल के सिंबल पे लड़ी जानी है, ये निर्णय हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि बागपत के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में चाहते भी हों, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जितनी वोट अगर आप, मैं उम्मीदवार होता और मुझे देते, उससे ज्यादा वोट डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को देके आपको जीत लेंगे। और बड़ी भूमिका इसमें कार्यकर्ताओं की है, नेता तो अपने प्रयास कर रहे हैं, आज हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको संदेश देंगे,
नेता जो है बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो तो प्रयास करेंगे, लेकिन चुनाव की कमान कार्यकर्ता अपने हाथ में लें। जो बड़ौत में आखिरी सभा होती थी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि चुनाव लड़ना मुझे नहीं मालूम, चौधरी अजीत सिंह जी का बयान मैंने सुना है, कहते थे चुनाव कैसे लड़ा जाता है मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग उसको करते हो करो। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, गांव का कार्यकर्ता और यहां नगर में प्रवास करने वाला गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेखूबी जानता है। तो अपनी वोट को मोल देना, ये मत सोचना कि अब तो हो लिया काम, हो गया गठबंधन, लोकदल भाजपा साथ आ गए, अब कोई कसर नहीं है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वोट ना पड़ जाए, 26 अप्रैल को आपका मतदान आप नहीं देंगे और सुनिश्चित नहीं करेंगे घर के, मोहल्ले की और कार्यकर्ताओं की, जो वोट है लोकदल की, जो वोट है बीजेपी का पुराना, सब लोग मिलकर निकल के जाएं और वोट करें, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो 26 अप्रैल को वोट बेखूबी आप कीजिए। मैं एक न्योता भी देना चाहता हूं, मैंने रटौल के आम की बात कही है, विश्व प्रसिद्ध है, रटौल गांव पास में ही है, मैं मुख्यमंत्री जी को आप कहें तो न्योता दे दूं मन से ही, क्योंकि आम का सीजन होगा, बाग में बैठ के आपको पूरा आनंद दिलाना चाहेंगे, जीतने के बाद डॉक्टर सांगवान जी और हम सब लोग आपको न्योता दे रहे हैं, जरूर आके रटौल की प्रसिद्ध का आम को आप चखिएगा, और ऐसा काम आप करेंगे मुझे विश्वास है कि यहाँ जो गन्ने की खेती करते हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, हर वर्ग के आदमी जीवन में मिठास लाने का काम जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और आगे आपको शक्तिशाली होकर बढ़ चढ़कर करना है। मैं हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी की 3 पंक्ति सुनाता हूं, प्रेरणादायक है, लंबी कविता है, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, 3 पंक्ति सुनाता हूं। घटा घिरी अटूट हो, अधर से कालकूट हो, यही सुधा की घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, गर्मी तो आ रही है ना, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो यूं ही बढ़े चलो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।